तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले वापस लिए हैं, जिनका संबंध ऐसे अपराधों से है जिनमें उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ वकीली अश्विन उपाध्याय द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है। मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने वकील स्नेहा कलिता के मार्फत दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने बताया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के संबंध में मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 आरोपियों के विरुद्ध में 510 मामले दर्ज किए गए। हंसारिया ने कहा 510 मामलों में से उसके बाद 77 मामले राज्य सरकार ने CRPC के धारा 321 के तहत वापस लिए। सरकार आदेश में CRPC की धारा 321 के तहत मामलों को वापस लेने की कोई कारण भी नहीं बताया गया। उसमें बस इतना कहा गया कि प्रशासन ने पूरा विचार करने के बाद खास मामले को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनमें से कई मामलों का संबंध भादस की धारा 397 के तहत डकैती जैसे अपराधों से है, जिनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।